भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र सेंट्रल से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र प्रभारी और बीजेपी पंजाब के कैशियर गुरुदेव शर्मा देवी की अध्यक्षता में उनके ऑफिस के बाहर चार साहिबजादों के शहीदी दिवस को समर्पित दूध का लंगर लगाया गया, जिसमें पूर्व पार्षद गुरदीप सिंह नीटू, पूर्व पार्षद पति दविंदर जग्गी और भी भारतीय जनता पार्टी से सीनियर नेता और वर्कर शामिल हुए। वहीं जहां दूध का लंगर लगाया गया, वहीं चार साहिबजादों की जीवनी पर बनी फिल्म चार साहिबजादे भी पर्दे पर दिखाई गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र हलके से प्रभारी गुरदेव शर्मा देवी द्वारा बताया गया कि चार साहिबजादों की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी कुर्बानी दी। वहीं पूर्व पार्षद गुरदीप सिंह नीटू द्वारा भी युवाओं को नशे से दूर रहने की बात कही। इस संबंध में बोलते हुए और क्या कहना था, गुरदेव शर्मा देवी का, गुरदीप सिंह नीटू का। जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से शैली राजपूत की रिपोर्ट। तो अज सारा देश जड़ा है शहीदी दिहाड़ा साडे गुरुआं दा मना रहे ने, और सारे हिंदुस्तान दे विच अज इस संदेश दिता जा रहा है कि साहबजादियां ने दियां शहीदियां वास्ते असी सारे ही परिवार जड़े ने अज उन्हां दा नमन कर रहे ने, जिन्हां ने हिंदू समाज वास्ते अपनियां शहीदियां देतियां, और अज आने वाली जिहड़ी पीढ़ियां ने वह भी जिन्होंने जो शहीदियां दित्तियां ने उन्होंने याद रखन, क्यों कि गुरु महाराज जी ने जिस तरीके शहीदियां दित्तियां अज साडा देश उहदे नाल ही चल रहा है, और साडियां जिहड़ियां अज कौम है जो उन्होंने शहीदियां दे करके जिहड़ी है वह अज अगों चल रही है। तो असीं नमन करने आ शहीद जिन्हां ने शहीदियां दित्तियां साडे गुरुआं ने, और साहिबजादे साडे जिहड़े सन देखो जिस तरीके दे नाल उन्होंने कुरबानियां दित्तियां शहीदियां दित्तियां, ये सारा देश या कोई भी कौम वो भुल नहीं सकते। मैं तो एक मैसेज देना चाहवागा भी चार साहिबजा साडे जिहड़े सन उन्होंने उन्होंने कुरबानियां साडियां आने वाली जिहड़ियां पीढ़ियां ने वो भी याद रखन, और इस तरीके दे नाल ही लंगर लगा के उन्हां दी याद दे विच उन्हां दी जिहड़ी फिल्मां ने असीं अज दिखा रहे हैं, क्योंकि जिहड़े साडे बच्चे ने उन्हां नूं पता लगे भी जिहड़े साडे गुरु सन किस तरीके दे नाल अपनी कौम दी खातर हिंदू समाज नूं बचाउण दी खातर जिहड़े जिहने शहीद हो गए, और वह हमेशा ही शहीदां नूं याद रखा जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं उन्हां साहिबजादियां दी जो उन्होंने ऐसी शहीदी दिती है जिहड़ी संसार दे विच किसे ने भी ऐसी शहीदी नहीं दिती, 6 साल की उम्र 9 साल की उम्र बच्चियां ने शहादत दिती, उन्हां तों पहले उन्हां दे दादा जी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, माता गुजर कौर जी और चार साहिबजादे जिन्हां ने यह शहादत दे के एक मिसाल जिहड़ी है वह कायम कर दिती, जो कि जो जदों श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शहादत दिती उदों सारे कश्मीरी पंडित जिहड़े जा के कह रहे सी कि साडा धर्म खतरे च है, हिंदू समाज खतरे च है, औरंगजेब वर्गे जिहड़े सवा मन जंजू उतार के ते मुसलमान बनाए जांदे सन, ते उन्होंने कहा धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भी जे उहदे च इन्ना ही है मैनू बदला के देखे कि मैं अपनी कौम के लिए बदलदा या नहीं बदलदा। उन्हां दी शहादत तो बाद उस टाइम धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 9 साल के सन, उन्होंने अपने पिता नूं अपने हत्थी तोरिया, और दिल्ली लाल किले दे विच जो पिछले साल लाल किले दे विच साडे देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने उन्होंने उत्थे उन्हों का शहीदी दिहाड़ा मनाया,
क्योंकि 800 साल बाद साडा जिहड़ा राज है ये दोबारा स्थापित होया और अज असी जो छोटे साहबजादियों का और वड्डे साहबजादियों का जिहड़ा वीर बाल दिवस मनाया जा रहा वो साडे हल्के दे सेंटर हल्के दे इंचार्ज पंजाब दे कैशियर श्री गुरदेव शर्मा देवी जी जिन्हां ने अज धन धन श्री गुरु अमरदास जी गुरद्वारा साहब विखे उत्थे पहला सवेरे सुखमनी साहब के पाठ होए उस तो बाद कीर्तन होया और विचारां होईयां देग बरती गुरु के लंगर लगाए गए सारा मर्यादा अनुसार जिहड़ा काम उत्थे होया और अज शाम नूं इत्थे साहबजादियां दी छोटे साहबजादियां दी वड्डे साहबजादियां दी ये फिल्म जिहड़ी आ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਹੋਵੇ ਸਾਊਥ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੂਰਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੌਰਥ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਧਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ।